धर्म प्रेमियों जय वाल्मीकि। आज का साडा समागम सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जिले पावन प्रगट दिवस के उपलक्ष हो रहा। और जदों पावन प्रगट दिवस की गल कहने असी प्रगट दिवस शब्द बोलते हैं तो मैं कई बार विचार करता भी फिर उपलक्ष कहने की भी जरूरत है। कारण यह है कि परमेश्वर का प्रगट होना सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी का संदेश देना, चाहे वह पावन योग सिस्टर के रूप च है, चाहे वह मां सीता शरण देने के रूप च है, चाहे वह भारद्वाज को मोक्ष का ज्ञान देने के रूप च है। बेटा जी बाहरों उन्होंने हटा दो, जो बाहर खड़े उन्होंने थोड़े दूर चल जाओ, बहुत जोर दिन गला मार रहे, मौज मस्ती लिए आए। किसी भी रूप असी परमात्मा जो तो देखते हैं तो बार बार प्रगट हुए हैं, भारद्वाज को ज्ञान देने लिए भी। और भारद्वाज तो अलावा एक करैक्टर इतने उन्हें एक शब्द बोलिया द्राविड़ संस्कृति। साढ़े एक राजा हुए आ, बहुत शब्द सुने बार बार असी बुजुर्गों तो भी असी इस देश के मूल निवासी सी, साडे बुजुर्ग राजा सी। पर कहानी इस तो अगे बधी नहीं करी गई, राजा कौन सी और क्यों नहीं रहे इस कहानी अल नहीं गए कदी। और असी उहदी घोख कीती, खोजबीन कीती और पहुंचे उत्थे तक कि एक राजा होए साडे दक्षिण भारत जिन्हों कहते कर्नाटक, मद्रास, केरला, तमिलनाडु, उत्थे साडे एक राजा होए जिन्हों का जिक्र पावन योग सिस्ट च है। नाम उन्हों का त्रैत्या राज बली। जदों पूरा राजभाग बना लिया उन्होंने, जिहड़ियां कहानियां आपां सुनियां किताबां च भी अशोक ने जदों पूरा राज जित लिया, अकबर ने जो पूरा भारत जित लिया, सिकंदर दियां कहानियां भी सुनिया इदां दियां, पर महाराजा बली का नाम नहीं सुनिया। क्योंकि लिखण दियां जिहड़ियां कलमां आ वह निरपक्ष नहीं हैगियां, उन्हां दे दिलां च मैल है, इन्नी मैल है कि मैं तो ताजी ताजी घटना दस रहा तुहानूं इक, फिर गल यही गल चंगे वधांगे। एक फिल्म आई चार साहबजादे, मैनू बड़ा अच्छा लग्या सुनिया, मैं लोगों ने कहा जी फिल्म बनी है तो मैं हमेशा प्रभावित रहा इस गल तो कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने किदां अपने परिवार को कुर्बान किया। मैं अपने सारे बच्चों नाल लैके वह फिल्म देखने गए, पर जो असी बाहर निकले तो बहुत निराशा सी। क्यों? फिल्म च नाम लिया गया जिस आदमी ने गुरु साहब के बच्चों घुड़सवारी सिखाई, उहदा नाम बड़ी अदब नाल लिया गया कि फलाना जथेदार, फलाना सिंह, भाई साहब भाई, जिन्हें गतका सिखाया उहदा नाम भी लिया गया। तो जदों गुरु तेग बहादुर जी का सीस लिया की गल आई, तुसीं भी फिल्म कढ के देखी होए की कहा गया, एक सिंह सीस लिया, बड़ा दुख होया। जिथे सारी सिखी की इज्जत बची, जिथे आके जिहड़ा सीस लाल किले के उत्ते लटक रहा सी, बेअदबी हो रही सी, जिसने वो पूरी बेअदबी बचाई, बल्कि मैं कहां सिखी की होंद बचाई, उन्हों कदे खाली एक सिंह लिया है। बाप का नाम लैन तो शर्म आती है, साडे इतिहास नाल इदां ही होया। सा तां मैं जिक्र किया अज दैत्याराज
महाराजा बलि ये शब्द भी थोड़े लिए नवा होगा कि दैत्या कह रहा है दैत्या तो उनके बड़े बड़े दंद सिंह निकले हुए इदा ही दिखाते हैं। पर तुसी एक सवाल करो अपने मन नाल भी जे परमेश्वर ने उस सृष्टिकर्ता वाल्मीकि देवाल ने जे कबूतर बनाया तो कबूतरी भी बिल्कुल उहदे वर्गी है, जे मुर्गा बनाया तो मुर्गी भी उहदे वर्गी है, जे बकरा बनाया तो बकरी भी उहदे वर्गी है, तो इंसानां च भी तुसीं तां कई देश देख ले आ मुल्क च आ गए। जे वह ईश्वर ने नीगरो बनाया ना तो उहदी पत्नी भी उदां दी है। तो साडे इतिहास नूं दिखाया बड़े बड़े सिंह कढ के दंद कढ के ये जी दैत्या है राक्षस है तो पत्नियां उन्हां दीआं दिखाईआं बिल्कुल सधारण भी इत्थे रब किदां भुल गया जोड़ा बनाना वह भी उदे होना चाहिए सी नहीं। तो वह गल जो दैत्या राज बाली पूरा राजभार जित लिया तो फिर ख्याल आया भी मन में शांति तो मिलेगी, ये शांति कितों मिलनी? उदों फिर जिक्र है पावन योग शिष्ट आर आसी शब्द इस्तेमाल करते हैं महामुनि शुक्राचार्य, ये पावन योग शिष्ट बार बार शब्द आता है और उन्होंने नाल उपाधि की लगती है दैत्या कुल गुरु, दैत्या कुल गुरु महामुनि शुक्राचार्य। उन्होंने कोल गए दैत्या राज बलि पैरों च बह गए गुरु जी दे और कहंदे मैनू मन नूं शांति नहीं मिलती, बड़ा राग भाई जित लिया बहुत सोना चांदी इकट्ठा कर लिया पर मन शांत नहीं, मखमली गद्दे ते भी जाना ते नींद नहीं आती। तो महामुनि शुक्राचार्य कहन लगे कि ये ताकत मेरे को भी नहीं, ये ताकत उस परमेश्वर को है। ऐसे आके आप की कहने हमने सारे जो नतमस्तक होंगे की मंग रहे हैं सुख शांति ये उन्हें देनी उन्हें बख्शनी उन्हें देनी है। यही कहानी भारद्वाज की है वो अधूरी जी आप समझ लेंगे। भारद्वाज को लोग बड़े ख्याल सोचते हैं भी शायद कोई बच्चा सी, बच्चा वो सीगा कि ब्रह्मा का पोता सी, पोते के नाते बच्चा हो सकता है। मैं कई बार बच्चा ना गल करता हाँ भी आप पेट बाहर क्यों निकल रहा भाई फालतू सेहत क्यों बना रहे हो, वो मैंने कहूगा जी 50 साल के हो गए, मैं क्या भी साढ़े लिए तो बच्चे ही, मैं तो तुम्हें चंगे रूप से ही देख रहा है। वह ब्रह्मा का पोता सी इस करके जरूर बच्चा कह सकते हैं पर भारद्वाज बच्चा नहीं सी जो परमेश्वर के चरणों च आया। उस टाइम वो को 9 डिग्रियां सी, 9 डिग्रियां एक आयुर्वेद डॉक्टर की डिग्री भी सी, 9 डिग्रियां प्राप्त करने तो बाद लगे भी ये डिग्रिया च भी शांति नहीं है, वो डिग्री नहीं मिली और अपने दादा जी को पहुंच गया। ये मैं प्रगट होने की गल दस रहा थोड़ा भी परमात्मा प्रगट कदों कदों हो जाए। अपने दादा जी को पहुंच गया कहता मेरा मन उचाट हो रहा है, आ जड़िया तुसी सुख सुविधावां जताइया मेरा मन नहीं लग रहा, जड़ी मैं पढ़ाई की मैं वो भी अधूरी लग रही है, 9 डिग्रियां भी अधूरिया लग रही है। तो जानते ब्रह्मा जी ने की कहा जिन्हों कहना हिंदू कि सारी सृष्टि ब्रह्मा ने रची पर पावन योग सृष्टि ने पहले पेजा च पहले 10 पेजा की गल कह रहा मैं ब्रह्मा की कह रहा है। वो कहना मैं हथियारों का आशीर्वाद दिना है लोगों को हथियारों का, किसी ब्रह्मस्त्र किसी नागस्त्र और तू वो चीज मंग ली जिन्हों केवल परमेश्वर दे सकता सृष्टिकर्ता वाले शबर है, प्योर पूरा शबर है, खाली परमेश्वर नहीं है ईश्वर नहीं है भगवान नहीं है प्योर वाल्मीकि शबर।
कि ये अधिकार केवल हिरणे गर्भ वाल्मीकि व्योम दे को तेनू उन्होंने नाम याद करना पैना उन्होंने शरण च जाना पैना ते सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान दैत्याराज बलि जो उसने पुकारिया परमेश्वर उदो भी प्रगट हो ते जो भारद्वाज ने पुकारिया परमेश्वर उदो भी प्रगट हो। तीसरी घटना हम दसन लगा जी ज्यादा पॉपुलर है साडे च और मेरिया बेटियां बैठिया है ज्यादा जरूरी है वो मां सीता दी। मां सीता जो राम ने घरों कर दिता त्यागता मन च शंका प्रगट हो गई और शंका क्यों प्रगट हुई ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। करियर तो सोच लेनी असी वाल्मीकि रामायण भी बड़ा हल्का लेंगे लोक सृष्टा बहुत ही बड़ी चीज है वाल्मीकि रामायण भी इन्ना हल्का लेने हैं। मैं हूँ ही अटकाय जी ने एक पुरानी स्पीच सुन रहा थी रस्ते अटकाय जी कह रहे थे सानू रामायण इन्नी की यार है कि हनुमान की पूंछ को अग लग गई तो उन्हें लंका को अग ला दी जानी जिदा बच्चा ना कॉमिक्स हुंदा ना कहानियां चुटकले सानू रामायण नूं दिल लग रही। सोचो जो इस मंच से भी आप कहने जी आ फलाना लिखारी आया ये गल सुनो फलाना विद्वान आया ये गल सुनो जो परमेश्वर कलम उठाएंगे तो वह गल कोई एवं होगी। गुरु ग्रंथ साहब च जिहड़ी बाणी अंकित की गई उन्हें कहते गुरुवाणी। गुरुवाणी कहड़ी जिहड़ी आदमी का जीवन बदल दे। गुरु ही उही जिहड़ा नेरे चो सानू रोशनी च लै जावे ते सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की पावन रचना जिन्हों रामायण कहने तुम उन्होंने इन्ना हल्का ले लें वो इन्नी हल्की नहीं। मां सीता उस महल दियां औरतां ने पूछ लिया भी महात्मा रावण बारे असी बहुत सुनिया सी सुने सुने और तू तो उत्थे रह के आई है थोड़ा बहुत तो दस किदां दे सी। ते मां सीता ने उत्थे जिक्र किया जिक्र किया भी दुनिया का अगर कोई सब तो बड़ा संगीतकार सी तो महात्मा रावण से बीना बजाया करते से बीना संगीत दे जिहड़े गुरु उन्हों कहीं पुछियो तीन ग्राम होंगे संगीत बजा दे दुनिया च एक शख्सियत हुई है जिहड़े तीन ग्राम एको बार बजाए उन्हें जिक्र मां सीता गवाही दे रही है। साजा की रचना की महात्मा रावण मां सीता ने दसा जो जो उन्होंने पता सी और इदा ही हुंदा है। भारत का अगर इतिहास तुसी कभी पढ़िया अगली क्लासा तुसी पढ़िया उस दो नाम आते विदेशियों के ह्यून सांग फाहियान वो भारत का इतिहास लिखते उस टाइम का उस इतिहास को पंडित जवाहर लाल नहरू अपनी किताबा च लिखता। मैं इतों मुड़ूंगा तो मैं भी लिखूंगा कि मैं इटली चाह चीज़ा देखी और आ जिक्र करूँगा जिहड़ा अनंत बनाया तुसी टैंपल बनाया जिक्र करूंगा कि जिहड़े लोग सात समुंदर पार करके गए सी अपने परिवार पालन ले उन्होंने परिवार भी पालिया है और धर्म भी पालिया जो बोले ईसो निर्भय वो इतिहास बन जाता है। तो मां सीता ने भी जिक्र किया कि महात्मा रावण बहुत बड़े संगीतकार से होर भी जिक्र किया छोटिया छोटिया गलां तुहानू याद हो भुल भी जाने ये भी मां सीता ने दस्या होना कि मैनू ऐसी जगह रखिया जिथे कोई गैर वर्ग नहीं सी आ सकता मैनू पूरा अदब दिता उस जगह नाम से अशोक वाटिका। और अज साडियां नजरां इन्हां अदब ने दिंदियां साडियां नजरां ही औरतों वाल देख लईए पता नहीं की चीर दिंदी है पर महात्मा रावण बारे मां सीता कह रही कि मैनू पूरे अदब नाल रखिया एक बेटी की तरह। हले होर बड़ी कहानी अशोक वाटिका की भी कहानी है इन आयुर्वैदिक डॉक्टर दसनगे भी अशोक वाटिका से क्यों रखे पर मैं कहानी थोड़ा छोटा कर रहा बिच मेरे ये ना करो आना करो ना
छोड़ दो, बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ। ये खाने के शहीद आप तो मां सीता ने जो जिक्र किया सारिया चीजा का, तुम भी बैठे हाँ जरा हिस्सा, मैं भी शामिल हूं। अगर साड़ी पत्नी किसी दूजे की तारीफ कर दे आर्मी कितने कितने रखे जाते, पर राम नहीं आनी चाहिए। अगर राम जुदा पेश करते साढ़े अगे तो राम नहीं सी आनी चाहिए, पर आई इन्नी ज्यादा आई कि सानू आम बंद तो माड़ी मोटी खिज आऊगी। उन्होंने इन्नी खिज आई कि उन्हें मां सीता त्यागन का फैसला दे दिया। जब त्याग गया हूं कहानी इतनी है, सच लक्ष्मण लैके जा रहा है अयोध्या तो सीता का मायका 500 किलोमीटर है नेपाल च, और अद्धा जो रस्ता होया कि मां सीता ने कहा कि बेटा जी रथ रोक लो। लक्ष्मण ने रथ रोकया, पूछया माता नूं वी क्यों, वह कहिंदी बस मेरी मंजिल आ गई। लक्ष्मण हैरान होया, तू उधर देखा कहते नहीं माता जी, हाल तक अद्धा रस्ता होया, तुहाडी मंजिल कित्थे आ गई। वह कहिंदी ये वाल्मीकि आश्रम आ गया, तमसा नदी आ गई, मेरी मंजिल यही है। हुण मैं नहीं जाना राजा जनक दे घर ते ना मैं रहना राम दे घर। क्यों? वो कहिंदी मेरे पेट च बच्चा पल रहा, ये राम दे घर पैदा होएगा तां वी राजकुमार बनेगा, मेरे प्यो दे घर पैदा होएगा तां वी राजकुमार बनेगा। तीर चलाना सीखेगा, राजनीति सीखेगा, पर इंसानियत कित्थे सीखेगा। मेरा यह आ गया ठिकाना, मैं इत्थे रहना। उतर गई, पर जंगल च तो कली घूम रही, निराशा भी होनी है। कली कली यह भी ख्याल आवे भी पता नहीं मरिया ही रब को पहुंचना है। साढ़े हूं भी कहावत है ना सार्च कि रब तो मरिया ही मिलता है। ये विचार आ रहे थी हौली हौली निराशाजनक, तो उत्थे परमेश्वर प्रगट हुए, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान प्रगट हुए। हम देखो आप तीन घटनावां गिणियां, मां सीता दी, महाराजा बलि दी और महामुनि भारद्वाज। फिर परमात्मा एक बार प्रगट हुए, और तीनों ही घटनावां किन्हां दी आईआं, जिहड़े बड़े परिवारां नाल संबंधित है। इहदा मतलब जिहड़े लोग छोटे है साडे वांगू निमाणे आ, कि रब उहनां दे कोल प्रगट नहीं हुंदा होएगा, हुंदा होएगा ना, रब उहनां कोल वी प्रगट हुंदा है। पर बड़े लोगां दीआं कहानियां छप जांदीआं आ ते छोटिआं दीआं कहानियां रह जांदीआं। गवाही दे रही है साढ़े साथी है आस्ट्रिया तो आए संदीप जी, मैं इंडिया एक जगह है उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी पिछे बहुत मशहूर हुई, एक मंत्री के मुंडे ने गड्डी चढ़ा दी किसानों के उत्ते, वह भी लखीमपुर खीरी। मैं उत्थे एक परिवार च गया तो बुलाया उन्होंने सवेरे नाश्ते ते, प्रगट दिवस के दिन सी, अभंग प्रकाश लोगों ने घर च किया होया सी। मैं उन्होंने घर गया तो वो इदा दोनों पति पत्नी नेड़े आके बैठ गए। मैं पूछा भी की सवाल है, एक दूजे को कही जा भी तू पुछ ला तू पुछ ला। मैं फिर कहा बेटे दसो की गल है, वो कहिंदा जी सानू सुपना आया। मैं कहा सानू तो नहीं आता, मैनू हुंदा है सुपना, तो एक बंदे को आता है, दो बंदे को कट्ठे तो सुपना कभी भी नहीं आता, सानू क्यों? वो कहना नहीं जी अज इदा ही होया। पत्नी भी बोली आ कहते तुम पौड़ियां चढ़ के आए हो, यदि एक उपर पौड़ियां होर उपर जा रही सारी छत, सानू सपना आया वो उतो इदा एक जोत उतर रही है, तो जिथे असी अभंग प्रकाश किया इतने आके समा गए। मैं फिर दोनों पूछया, मैं कहा जी देखो झूठ ना बोलो, दोनों आया कद दो आया। मैं उठा और जोत के अगे खड़ा हो गया कुछ देर ले, बेटे घुमा लो उठ के घुमा लो दो मिनट, कोई नहीं। मैं उस जोत के अगे खड़ा हो गया
और मैनू अफसोस अपने आप से होया कि इस परिवार को उस परमेश्वर के दर्शन दिते ते उही दर्शन असी नहीं प्राप्त कर सके। पर इन्ना को मौका जरूर मिलिया कि अज सवेरे 4 बजे इन्होंने वो जोत दिखाई दी ते अज मैं उसी कमरे च बैठा है। इन्ना अवसर मिल गया, शायद ईश्वर ने मैं इन्ना अच्छा मान लिया। तो परमेश्वर का प्रगट होना बार बार है और असी इस करके एक बार मनाने कि सानू हुक्म है। इतने जिक्र हो रहा सी बार बार, बाबा जी उन्होंने भी जिक्र किया, होर भी लोग जिक्र कर रहे थे। एक हुक्म है सानू उस परमेश्वर का पुरुषार्थ का मेहनत का आ टैंपल भी पुरुषार्थ का नतीजा है। जो तुम मेहनत ना करो कमाई ना करो ये टैंपल भी बन नहीं सकता। सानू हुक्म है नित्रेम श्रोमी आता है कि मधु का अर्थ सुरा है, सुरा नाम की दो, नाम नशा निशिन रहे काज जगत में। जिन्हों गुरु नानक देव जी कहते हैं कि दसा नौवा की किरत उसको पहले ही हिरणे गर्भ वाल्मीकि व्योम कहते हैं कि पुरुषार्थ सब तो बड़ी चीज है। वो तो इतों तक कहते एक लाइन च दोहरा देंगे कि पुरुषार्थ तो बड़ी भगती कोई नहीं। लोग सोचते भगती करनी घर छड़ के गए महात्मा बुद्ध, पर मुर्दा पिया ना उही घर वाल जंगल चले गए आ गए फिर शाह वाल जंगल च नहीं। और इन बुले शाह ने कहा बड़े बहुत वधिया तरीके ने कहा बुले शाह ने, वो कहते बुले शाह जे रब मिलता जंगल वेले तो मिलता गाइया बछिया। कहते अस तो जंगल एक बार जाना, जेड़े जानवर रहिंदे जंगल तो रब उन्होंने मिलना चाहिए। जे रब मिलता नहात्या धोत्या आप तो एक दो डुबकियां लगाने हैं। तो बुले शाह कहते मिलता डडुआ मछिया जड़िया रहिंदियां ही बिच। जे रब मिलता मंदिर मसीती तो मिलता चाम झड़कियां जी उ रही है। आखिर चो गल मुका लेंदे है वो कहते बुले शाह रब उन्होंने मिलता नीता जिन्हों गल नीयत है। और उस नीयत को परमेश्वर ने बहुत तरीके योग सिर्च किया। पुरुषार्थ उन्होंने चार हिस्सों च बढ़िया, चार हिस्सों च। पुरुषार्थ का मतलब वो मेहनत नहीं जिहड़ी दिशाहीन हो, दिशा दी परमेश्वर ने भी। पुरुषार्थ का पहला हिस्सा योग सिर्च उन्होंने लिखे चार जड़े वो लिखे है धर्म अर्थ काम मोक्ष। अपने आप है जे सीढ़ी च चलेंगे, जे सीढ़ी को तोड़ांगे उधर करांगे तो नहीं होगा। हमने की है मैं सधारण शब्द कर देव, धर्म तो मतलब तिलक लगाना नहीं है, धर्म तो मतलब जनेऊ पाना नहीं है, धर्म तो मतलब गात्रा पाना नहीं है। धर्म तो फिर की मतलब है?